हाँ जी गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कल की वीडियो हमारे लिए काफी अच्छी रही क्योंकि सभी डॉग्स काफी अच्छी क्वालिटी के थे और प्राइस बहुत ही कम। वैसे कल की वीडियो छोड़ो यार, आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए उतनी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि एक छोटी सी क्यूट सी लैब डॉग ब्रीड है जिसका नाम है सिट्जू। जी हां गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिट्जू के बारे में, जो कि ट्राई कलर के पपीज है और भाई आप लोगों को इतने कम प्राइस में मिल जाएंगे कि शायद ही आप लोगों को किसी और चैनल पर मिल पाए। और वैसे भी अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को कोई दूसरा चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई इस चैनल पर आप लोगों को आपकी सभी फेवरेट डॉग्स भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। और वैसे भी यार, मैं डॉग ओनर से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सभी डॉग्स का प्राइस कम कराने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि मेरे जिन भाइयों का बजट कम होता है वो भी सभी डॉग्स को अफोर्ड कर सके। तो पपी सुपर क्वालिटी में है और बिल्कुल पंच फेस में, और ये चीज शायद आप लोगों को दिख ही रही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पपी ट्राई कलर में है। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि सिट्जू की आईज पर ये क्यूट से गॉगल्स के निशान होते हैं। ये दिखने में काफी यूनिक रखते हैं और इनको काफी अच्छी मार्किंग माना जाता है, तो इन पपीज की आईज पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो वही जो लोग ये सोचते थे कि सिट्जू एक बहुत ही एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले इस ब्रीड को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि भाई आज की वीडियो के थ्रू आप लोग एक लैब्राडोर के जितने प्राइस में इन सिट्जू पपीज को परचेज कर सकते हो। और इनकी खास बात यह होती है कि भाई आप लोगों को परचेज करने के बाद इनके ऊपर इतना खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि इनका मंथली एक्सपेंसेस काफी कम होता है, क्योंकि स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है यार, इनकी डाइट वगैरह इतनी कॉस्टली नहीं होती। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इन डॉग्स को रनिंग की जरूरत नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत वॉक भी इनके लिए सफिशियंट होती है। तो क्यूट एंड ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड परचेज करनी है तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि सिट्जू आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक टॉय डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग अपने छोटे बच्चों के साथ भी काफी आसानी से रख सकते हो। तो अब काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि यार मंची, ये तो बहुत कुछ हुआ, बट अब इनके प्राइस के बारे में तो बता दे कि प्राइस क्या होने वाला है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पपीज जो है ये 45 डेज के हो चुके हैं और भाई ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को डिलीवरी भी मिल जाएगी और वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बट मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा ये रहता है कि भाई डिलीवरी को अवॉइड करो, डायरेक्ट ओनर को विजिट करो और अच्छी क्वालिटी के पपी को परचेज करो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस ऑप्शन को चूज करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।